हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। तो अगर आप सलून जो है रन कर रहे हैं, तो आपके पास भी अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि उनको चाहिए है उनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस ना लगा हो, तो बहुत ज़्यादा पैची ना हो, उनको बेस बहुत कम चाहिए हो, तो आप किस तरह से जो है उनका मेकअप करेंगे, तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है क्लिनजिंग टोनिंग करने के बाद आपको जो लगाना है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर जो है अकॉर्डिंग टू स्किन लगाना है। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट की स्किन जो है कॉम्बिनेशन स्किन थी, हल्का हल्का जो बहुत माइनर जो है उनकी स्किन ऑयली थी, एंड ऑल ओवर द स्किन अगर देखा जाए तो उनकी ड्राई थी, बहुत ज़्यादा ड्राई थी। तो इस करके मैं जो है दो बार मॉइस्चराइजर लगा के उनको अच्छे तरीके से मैंने उनकी मसाज की है, ताकि जो स्किन है वो अच्छी तरह से जो है मॉइस्चराइज हो जाए। उसके ऊपर अगर मैं बेस लगाऊँ बाद में, तो कहीं वो पैची ना लगे या स्किन के ऊपर से निकल ना जाए। तो आपको ये चीज़ जो स्टार्टिंग में आप करोगे तो आपको बहुत ध्यान से करनी है। तो यहाँ पे आपको मैं आप देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से उनके फेस पे जो मसाज कर रही हूँ, ताकि मेरा जो मॉइस्चराइज़र है उनके स्किन के बीच में अच्छी तरह से चला जाए, एंड उनकी स्किन जो है बहुत अच्छी तरह से जो मॉइस्चराइज हो जाए। आपको ये चीज़ जो है कभी भी स्किप अप नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्किन डिमांड ही आपको ये चीज़ करनी है। अगर ऑयली है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं करोगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मोस्टली आप देख सकते हो अभी विंटर्स जो है स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी आपको जो है ड्राई स्किन ही देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया है प्राइमर। तो प्राइमर जो है बहुत ज़्यादा आपको भर भर के नहीं लगाना है। प्राइमर की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो आपको मिनिमम रखनी है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना है। अगर हम भर भर के लगाते हैं फेस के ऊपर, तो वो भी आपके जो मेकअप का बेस है उसको जो है ग्रे करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूज़ किया है क्रायलोन का ग्रीन करेक्टर। हमेशा जो ग्रीन करेक्टर है मैं जो है वो क्रायलोन का ही यूज़ करती हूँ, एंड उसको मैंने लगाया था जहाँ पे उनके जो है रेड पिंपल्स थे उसके ऊपर ही लगाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है DFD शेड, ताकि जो ग्रीन कलर है वो अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर मैं बेस लगाऊँ ऊपर तो ग्रीन कलर उनका जो है बिल्कुल भी ना दिखे। तो आपको ये चीज़ जो है ज़रूर फॉलो करनी है, उससे आपका जो बेस है जो आपका जो ग्रीन कलर करेक्टर है बिल्कुल भी जो दिखेगा नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल उनके जो पिम्पल्स हैं वो रेडनेस है बिल्कुल हाइड हो गई है। उसके बाद आपको लगाना है डार्क ऑरेंज करेक्टर। तो डार्क ऑरेंज करेक्टर हमें कहाँ लगाना चाहिए, जहाँ पे हमारी डार्कनेस है, जहाँ पे हमारे पिगमेंटेशन है, यहाँ हमारे डार्क सर्कल्स हैं, डार्क एरिया है, तो वहाँ वहाँ पे आपको हमेशा जो लगाना है डार्क ऑरेंज करेक्टर। आप चाहे तो आप क्रायलोन के भी बेसिस में से यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो आप अलग कंपनी के भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ LA गर्ल का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे कंसीलर, बहुत ही अच्छी कवरेज देते हैं, एंड काफ़ी टाइम से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ड्रग जो है अप्लाई किया है अगेन से DFD शेड, ताकि जो ऑरेंज कलर करेक्टर है वो अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए। एंड आप देख सकते हैं आज मैंने कोई भी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही जो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे फिंगर्स में बहुत हीट होती है। तो हम अपनी अगर फिंगर से ब्लेंडिंग करेंगे, ट्रस्ट में बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है। तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा। तो मैं तो ये रूटीन जो है कभी फॉलो कर लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इजीली ये जो है फॉलो कर देती हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होती है आपके फिंगर की हेल्प से, आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं जाता है, एंड ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है मेबलिन का 24 आवर्स फाउंडेशन, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है एंड अफोर्डेबल रेंज में है, एंड बहुत कम क्वान्टिटी में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, बहुत इसकी कवरेज जो है मीडियम टू हाई कवरेज है, फुल कवरेज नहीं हम इसको कह सकते हैं, मीडियम टू हाई कवरेज है। उसके बाद मैंने उनके जो फेस के ऊपर जो है इवनली जो है ब्रश की हेल्प से जो आप देख सकते हैं बहुत कम लगाया है, बट इवनली उसको जो आप स्प्रेड आउट कर दिया है उनके फेस के ऊपर। उसके बाद मैंने लिया है बेट ब्यूटी ब्लेंडर, एंड आपका ब्लेंडर जो है बिल्कुल जो है साफ सुथरा होना चाहिए, पहले से वो यूज नहीं होना चाहिए। अगर यूज किया है तो आप उसको जो है वॉश करके रखें, एंड अलग स्किन पे आप जो है अलग ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज करोगे, बिल्कुल साफ सुथरा।
आपको एक स्किन के ऊपर दूसरी स्किन का जो है ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी नहीं यूज़ करना है। उससे क्या होगा, आप अनहाइजीनिक आप चीज़ कर रहे हो, क्लाइंट की स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ये चीज़ कभी भी फॉलो आप नहीं कर करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ब्लेंडर है बहुत अच्छी तरह से जो है साफ था, एंड मैंने उसको जो है क्लाइंट के फेस पर अभी यूज़ किया है। एंड आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जब ब्लेंडिंग कर रहे हो तो नो मेकअप लुक में आपको जो है, आप समझ गए होगे, बहुत कम आपको जो है फाउंडेशन लगाना है, बट आपको फाउंडेशन जो है अच्छी तरह से ब्रश में लेके उसको जो है ब्लेंड करना है, अप्लाई करना है, उसके बाद आपको जो है ब्लेंडिंग करनी है। तो ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं उनके फेस के ऊपर से डार्क सर्कल्स, उनकी अनइवननेस, उनके पिंपल्स जो है बिल्कुल अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं बेस कितना कम लगाया है मैंने, सिर्फ बहुत ही मिनिमल जो है मैंने बेस लगाया था, एंड ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर बेस ब्लशर, एंड उसके बाद जो है हल्का मैंने जो है क्रीम बेस ब्लशर भी यूज़ किया था, ताकि उनका जो लुक है बहुत अच्छा आए, क्योंकि उनका जो उन्होंने वियर किया था वो थोड़ा डार्क कलर में था, एंड उसके साथ अगर हम ब्लश थोड़ा हल्का सा हम ज़्यादा भी कर दें तो बहुत अच्छा जो है लुक आता है। एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्रिटी लुक आया है। उसके बाद आपको जो है बेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पैक का HD पाउडर यूज़, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपके बेस को जो है वाटरप्रूफ बनाता है, स्वेट प्रूफ बनाता है, आपके मेकअप के बेस को जो है बिल्कुल सेट कर देता है, कहीं भी क्रीजिंग लाइन नहीं आने देता है, आपका बेस जो है बिल्कुल मैट और HD लुक में आ जाता है। आप देख सकते हैं आफ्टर अप्लाई द HD पाउडर उनका जो बेस है, उनका जो फेस है पहले से जो है कितना स्मूथ एंड मैट फिनिशिंग में आ गया है। तो आपको जो हल्के हल्के हाथों से जो है डैब पोजिशन में उसको जो है डैब करके उनके फेस के ऊपर लगाना है। तो यही चीज़ आपको आपके जो मेकअप के बेस को जो है बिल्कुल सेट करती है, वाटरप्रूफ बनाती है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने उनका जो है आई मेकअप स्टार्ट किया था। तो आई मेकअप के लिए आपको आई बेस बनाना जरूरी है। एज यू नो मैं जो हमेशा क्राइलोन के ही बेसिस यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद आपको आई बेस लगाने के बाद जो है उनका आई बेस को भी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके आई बेस को सेट करने के लिए आप HD पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, हल्का आप जो है कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हो, एज पर योर डिमांड। इसके लिए कोई पक्की थ्योरी नहीं है कि आपको यही यूज करना है या आप नहीं यूज कर सकते हो, तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट से पहले पूछा था कि आपको जो है किस तरह का आई मेकअप चाहिए। तो एज यू नो आजकल जो है बहुत ज्यादा न्यूड मेकअप जो है, आईज मेकअप जो है चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो सभी को जो है न्यूड मेकअप ही चाहिए है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हर ड्रेस, के इनका जो बेस है, जो इनका आई मेकअप है, वो न्यूड ही होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी ड्रेस जो है डार्क है। तो इनको डार्क लिप शेड भी मैं देने वाली थी, मेरे माइंड में पहले से ही चल रहा था, क्योंकि बहुत अच्छी लगेगी इनकी स्किन के ऊपर, एंड अकॉर्डिंग टू हर ड्रेस बहुत ही अच्छा जाएगा। तो मैंने इनका जो आई मेकअप है उनसे पूछ के एंड अपने माइंड में जो है न्यूड ही रखा था, तो शी वॉन्ट कि उन्हें भी न्यूड चाहिए, तो इट्स गुड फॉर मी। एंड आप देख सकते हैं उसके बहुत ही हल्के हल्के जो है मैंने क्रीम बेस ग्लिटर लगाए हैं, एंड ट्रस्ट में गाइज आप देख सकते कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी लुक आती है। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है लैक्मे का जो है लिक्विड लाइनर यूज़ करने वाली थी। आप चाहे तो आप जेल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप पेंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थिक देने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा थिक नहीं देने वाली, मिनिमल जो है थिक देने वाली हूँ, क्योंकि उनकी आईज़ जो है थोड़ी डीप सेट आईज़ है, तो आपको जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी जो है विंग लाइनर नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि एज यू नो आज के ट्रेंड में कोई भी विंग लाइनर जो है ट्रेंडिंग में नहीं है, तो मैं विंग लाइनर बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। अगर मेरे क्लाइंट को चाहिए है तो मैं उनको दे देती हूँ, बट अगर मैं खुद जो है करने आऊँ तो मैं कभी विंग लाइनर को प्रेफरेंस नहीं देती हूँ आज के टाइम में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मिनिमल सा जो है मैंने उनका आईलाइनर लगाया है। आईलाइनर में आपकी जो आईलाइनर की लाइनर की लाइन होनी चाहिए बिल्कुल जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं भी जो है वो हिली नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल भी आपकी जो लाइनर जब आप लगाते हो अगर वो बिल्कुल भी ब्रश आपका जो है थोड़ा अनइवन हो जाता है तो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आईलाइनर में आपकी जो है प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने उनकी आईब्रो फिलअप की थी, बट फिलअप करते टाइम मैंने देखा कि उनकी दूसरी आईब्रो जो है बिल्कुल भी बनी नहीं हुई थी, जहाँ से इन्होंने जो है अपना फेशियल या कुछ भी करवाया था, तो वहाँ पर एक उनकी जो आईब्रो है वो अच्छी तरह से बनी हुई थी, बट दूसरी उनकी जो आईब्रो है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऊपर से जो है बाल निकाले ही नहीं है। तो मैं
मैंने जो है सबसे पहले उनकी जो है दूसरी वाली थ्रेडिंग की थी, उसके बाद जो है उनका जो आईब्रोज है फिलअप किया था। आप देख सकते हैं कितना बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा अच्छा जो है लुक लग रहा था। उसके बाद जो है उसको ब्रश की हेल्प से जो है एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है रिमूव किया था। एंड यहाँ पर मैं जो है यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। एज़ यू नो बहुत ही ज़्यादा इसको मैं अपने यूज़ में लेती हूँ, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है एंड वाटर प्रूफ है। आप एक बार इसको लगाओगे आपको रिमूव करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपकी आईज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है जब आप इसको रिमूव करते हो। तो बहुत ही अच्छा है, आप जितना मर्जी चाहे रोलो, जितना मर्जी आप पानी के नीचे जो है जाके रोलो, तो आपकी कभी भी ये जो आपका मस्कारा कभी ऐसे निकलेगा ही नहीं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, तो आप इसको मस्ट बाय कीजिए। मैं जो हमेशा इसे नायका से ही परचेज़ करती हूँ एंड क्वान्टिटी जो है बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट चल जाता है काफ़ी टाइम तक, फिर भी चल जाता है 2-3 मंथ्स जो है आराम से चल जाता है। और अभी जो है मस्कारा लगाने के बाद जो है लोअर लैश के ऊपर जो है मैंने ब्राउन शेडो हल्की हल्की सी जो दी थी, एंड साथ ही साथ जो है मैंने पिंक एंड थोड़ा ग्रीनिश टच भी दिया था ताकि थोड़ा स्टबल सा लुक जाए एंड उनके ड्रेस के साथ हल्का हल्का सा जो है मैच कर जाए। एंड शी वॉन्ट कि मुझे जो है हल्का सा जो है ग्रीन टच भी चाहिए है, तो अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट डिमांड मैंने जो है उनका हल्का सा ग्रीन टच दिया, बहुत ज़्यादा नहीं दिया था। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो टच नहीं दिया था, बहुत ही ज़्यादा कम मैंने टच दिया था ताकि वो दिखाई दे, बट ना दिखाने के मुताबिक ही मैंने लगाया था। एंड उसके बाद आपको जो है लोअर लैश के ऊपर भी भाई मस्कारा लगाना कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम अगर लोअर लैश के ऊपर मस्कारा नहीं लगाएंगे तो वो लुक कभी भी आपका क्रिएट नहीं होगा, कभी भी आपका जो लुक है आपका मेकअप लुक का क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो लोअर लैश के ऊपर भी आपको जो है मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेटिव जो है जो इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको अपनी वीडियोज़ में देती हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियोज़ को जो है काफ़ी टाइम से देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड वीडियो को जो है शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी मेकअप जो है आसानी से वो सीख पाएँ। एंड उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे हाइलाइटर। सो हाइलाइटर जो है मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड, मेबलिन का जो है हाइलाइटर मैंने यूज़ किया था। उसके बाद हाइलाइटर जो है जो हल्का हल्का मेरे ब्रश के ऊपर बचा था मैंने उनकी बो बोन पे भी लगाया था, एंड यहाँ पर जो है उनके चीक्स पे उनके नोज़ पे भी मैंने हाइलाइटर लगाया था। एंड आफ्टर अप्लाई द हाइलाइटर लुक एट दिस हाउ फ्लॉलेस जो बेस है उनका जो निकल के आया है, कितना प्रिटी लग रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जो है मैरून कलर की जो लिप शेड है वो उनको लगा रही हूँ। तो लिप शेड जब आप लगा रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको जो है लिप ब्रश आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे जो है आप आसानी से जो है लिप शेड लगा सकते हो। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली जो है आप ड्रॉ कर सकते हो लिप शेप को, इजीली उनके बॉर्डर्स को जो है फिलअप कर सकते हो। अगर आपको लिप को थोड़ा बिग दिखाना है वो भी आप इजीली जो है लिप पेंसिल से लिप ब्रश से आप दिखा सकते हो। तो मैं जो है हमेशा अपना जो उनका लिप फिलअप करती हूँ हमेशा ब्रश के साथ ही करती हूँ, बहुत मतलब ईजिली जो है फिलअप हो जाता है। टाइम थोड़ा हल्का सा ज़्यादा लग जाता है, बट ट्रस्ट मी बिल्कुल अच्छा जो फाइन जो लाइन्स आती हैं उनका लिप की जो शेप है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो ध्यान से आपको जो फिलअप करना है, तो यहाँ पे मैं फिलअप बहुत ध्यान से कर रही थी एंड आप देख सकते हैं उनके फेस के ऊपर उनके मेकअप के ऊपर कितना प्यारा एंड प्रिटी लुक आया है। तो यही चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है, अकॉर्डिंग टू हर ड्रेस अकॉर्डिंग टू हर स्किन आपको जो है चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, आपको जो है चूज़ करनी है जब आप अपने क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो। एंड यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मेकअप फिक्सर जो कि मैंने यूज़ किया था Forever 52 का। एंड यहाँ पे साथ ही साथ अभी आप सोच रहे थे कि मैंने जो है नेक जो है फिलअप नहीं किया है, नेक को कवर नहीं किया है, तो भाई कभी भी ये जो है चीज़ आपको नहीं भूलनी है, मैं भी कभी भी नहीं भूलती, चाहे मैं एंड में जो है उसको कवर करूँ, चाहे मैं जो है लास्ट में फिल्म स्टार्टिंग में ही जो है उसको कवर कर लूँ, तो ये मुझे हमेशा माइंड में होता है। क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो हमारा जो बेस है जो हमारा मेकअप का कलर है जो हमारा स्किन का कलर है वो थोड़ा फेयर टोन में आता है, तो अगर हमारी नेक जो अलग दिख रही है फेस जो अलग दिख रहा है वो देखने में ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ जो आपको कभी नहीं भूलनी है, अगर आप भूल जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ जो कवर करनी है, नेक जो है उनको हमेशा कवर कीजिए। एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल नेक जो है मैंने उनको कवर कर दिया था, अभी जो है उनका आप फेस का एंड नेक का आप देख सकते हैं बिल्कुल मैच कर रहा है। एंड जो आप नेक के ऊपर फाउंडेशन लगा रहे हो तो वो आपको उनकी स्किन टोन से वन शेड जो है हमेशा फेयर ही लगाना है, मिलता जुलता नहीं लगाना है।
एंड दिस इज द फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीटी लग रहे हैं। एंड इनके जो हेयर्स के ऊपर है, मैंने जो है हल्के हल्के जो है वेव्स दिए थे ऑल ओवर द हेयर, फ्रंट में मैंने उनको जो है कर्ल दिया था। एंड आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।